तो जी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहां भी जिस वक्त भी इस व्लॉग को देख रहे हो। आज ये व्लॉग खास होने वाला है, क्यों? क्योंकि इस व्लॉग में आज आपको थोड़ी सी झलक मिलेगी कि हम आरजेज किस तरह से सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू लेते हैं। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि आज प्राची देसाई से मिलने का मौका हमें मिलेगा। बेसिकली वो अपनी नई फिल्म जो OTT पर रिलीज होने वाली है, साइलेंस, उसको प्रमोट करने के लिए इंदौर आई हुई हैं। और दो मौके हैं अपने पास में। पहला है कि उनके साथ में वन ऑन वन एक इंटरव्यू होगा, और दूसरा मौका है कि उनके लिए एक इवेंट हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर पाते हैं ऑन टाइम। वो भी चश्मा बदल के और इन भाई साहब के साथ में हम लोग जा रहे हैं पहले होटल। होटल में हम करेंगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद वापस ऑफिस आके हम जाएंगे इवेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग होटल में आ चुके हैं। अरे शुभम भाई, धूप को सहते हुए, क्या बात है, वाह, बहुत धूप है। और ये सुशील भाई आगे आगे जा रहे हैं, फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रोड चार ही है चार। सुशील भाई, सेलिब्रिटी इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? कैसे अच्छी बात, लाइक एक फील होता है कि यार एक सेलिब्रिटी के साथ मिल रहे हैं हम। अच्छा, एक लाइक जिसको हम लोग टीवी पे देख रहे हैं उसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है। और आपको क्या लगता है, आप तो बहुत काम भी करते हैं। मुझे तो ना उनकी स्टोरीज जानने में बहुत मज़ा आता है। लाइव जर्नी जो रहती है कि कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, क्या किया है, अभी कितने स्ट्रगल करना पड़ रहे हैं उस जगह पर रहते हुए भी, तो ये सब ये इंटरव्यू में ये बहुत मज़ा आता है। और अगर मैं पूछूँगा तो ये तो इनने क्वेश्चन दे दिया मेरे को। और हमारा ऐसा है कि हमारी कोई लाइफ की जर्नी जानना ही नहीं चाहता, हमें व्लॉग बनाना पड़ रहा। वी आर हियर एट द लाउंज और कैमरा सेटअप चल रहा है। थोड़ी देर में प्राची हमारे साथ होंगी एंड हम उन्हें इंटरव्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी स्टेप्स होती हैं बीच बीच में, जो शायद आपको दिख नहीं पाती है, पता नहीं चल पाती है। बट एज एन आरजे हम लोगों को ये फेस करना होता है एंड इसी के थ्रू होके निकलना पड़ता है। सो वो जो एक फोटो या एक वीडियो आपको दिखाई देता है ना सोशल मीडिया पे, उसके पीछे मेहनत बहुत होती है बॉस। तथागत, इट्स नॉट अजीब, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, बट हमने फाइनली इंटरव्यू कर लिया प्राची देसाई को। और ये देखो, ये आदमी काम ही काम करता रहता है, अभी भी देख रहा है कि क्या क्या बचा हुआ है। अब एडिट करना है वीडियो में हमका, बताओ अब एडिट करना है। तो ये काम में लगाने वाला बंदा ही है, सबको काम में। ये चैलेंजेस होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि यार मिल लिए मजा आ गया, नहीं, उसके बाद इंटरव्यू बकायदा एडिट होगा और कौन सा पार्ट रखना है कौन सा नहीं रखना है ये सब कुछ होगा। तो अब वापस ऑफिस, फिर से भाग दौड़ और फिर बचा हुआ काम, और फिर उसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे इवेंट में मॉल। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में वापस। लेटर दैट सेम इवनिंग। इतना ही बड़ा चैनल नहीं भाई अपना के कॉपीराइट आ जाए तो नुकसान हो जाए, बंद कर दो। हम लोग जा रहे हैं, हम मॉल जा रहे हैं भाई साहब, और ये आदमी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। प्राची देसाई के साथ एक फोटो है, हाँ यही वाली फोटो, इसमें आदमी इतना खतरनाक है, ये बोल रहा है कि सुशील भाई कहाँ है इसमें। देखो आप भाई, काले के साथ गोरी के सामने काला तो दिखेगा ही नहीं ना। ये देख लो कॉन्फिडेंस, देख रहा हूँ हम लड़कों में कितना कॉन्फिडेंस होता है, देख रहा हूँ हम पक्के खड़ा हो रहा है। ये देखो भाई, सभ्यता से दूर खड़ा हुआ हूँ, ये देख लो, देख लो भाई, ये देखो, लड़कों की आपस की बातें ऐसी होती है भाई साहब, क्या करें, सर पे इतना प्रेशर होता है ना कि एक ही दिन में इतना सब कुछ करना है, तो हम लोग ऐसे ही आपस के जो है एक दूसरे के मस्ती मजे लेते हैं, जरूरी भी है। क्या सुशील भाई अच्छा नहीं लगा आपको ऐसा कमेंट करना? काले काले दिख रहे हैं, दोनों ही दिख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, शानदार फव्वारे, म्यूजिक पे चलते हुए फव्वारे, इतने प्यारे मॉल में हम आए। ये देखिए इस आदमी का चेहरा देखिए, टेंशन में रहता हमेशा, करना अभी वीडियो जाके क्या करना है पता नहीं मुझे। ये देखिए काम करता हुआ कर्मठ जो है हमारा कार्यकर्ता, बहुत मेहनत करता है भैया, क्या कहें, मार्केटिंग के लिए जरूरी है, जो दिखता है वो बिकता है।
दिस इज मोर और लेस ऑफ अ सेटअप जहाँ पे हमको क्रिएटर रेजिडेंसेस में होस्ट करना है। कर्मठ कार्यकर्ता को देख लो भाई, क्या रील बन रहा है। और दोस्तों अक्षय कुमार जो फेंकना भूल गया था वो ये रहा, पैसा ही पैसा हो गया। हेरा फेरे टू की बंदूकें मिल गई हमको यहाँ पे। ये देखो ये खत्म करके हम जब इवेंट आते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं, ये मजदूर लोग हम ये मजदूर के हाथ और ये मजदूर, ये व्लॉग सब देखने वाले भाई। भारी मिस्टेक हो गया सर। होता है अक्सर ऐसा कि कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो केओस हो जाता है, थोड़ा सा केओस हो गया, ऑब्वियसली मैनेज करना पड़ता है, वी हैव टू मैनेज। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कई बार दिखाई देता है ना कि अरे आरजी को तो इससे मिलना जो है वो इजी है बहुत, नो डाउट आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बट द थिंग इज कि वर्क इज़ वर्क, आपको काम करना पड़ता है। तो आज का व्लॉग मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि माइक के पीछे से या जो है टेबल के इस तरफ से एक ऐसा दिखाई देता है। सुबह से हुई थी शुरुआत तो फटाफट शो किया, उसके बाद में फिर इंटरव्यू के लिए होटल गए, लंच स्किप हुआ, फिर उसके बाद हम यहाँ आए और अब हम जा रहे हैं। तो बस यही है कहानी। यहाँ तक आ गए हो तो वो करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मतलब अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, टेक केयर। This was an insight in the life of an RJ.